देखो जी भाई फैजान वाले कबूतर है, ये जा रहा है ये कासिम भाई की छत पार करके, ये जा रहे हैं कबूतर। देखो अभी ये देखो ये जा रहे हैं कबूतर। वो 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 सब कूद गया, उल्टा कर हो गया नीचे, और नीचे हो गया भाई फैजान। वो जाहिरिया है भाई, अब मैं वीडियो काट रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा कबूतर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आगे से कबूतर देखा भाई, फैजान वाला कबूतर देख के दिल खुश हो गया। माशाल्लाह कबूतर जो है कसापुरे वसापुरे सब उड़ाई आया, जिस हाथ गया जिस तरह हमारे सर के ऊपर से गया, वापसी भी हमारे सर के ऊपर से करिए, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया भाई। माशाल्लाह से ताली बजाते हैं भाई फैजान के लिए, और ये इनका स्वागत करते हैं डब्बे से। सभी उस्ताद खलीफा को राम राम, अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरा नाम शिवम है, मैं स्कूल ब्लॉक से हूँ। ये मेरे उस्ताद जी, उस्ताद जाहिद साहब। आज मेरा कबूतर पूरे 6 मिनट लापता था, कबूतर का कहीं से कुछ पता पता नहीं था कहाँ था। इतना अच्छा उड़ा आज तक नहीं उड़ा कभी ऐसा, जाम खड़े थे वहाँ से भी दिखना बनता, पता नहीं कहाँ था कहाँ नहीं खड़े थे, और वहाँ से भी कबूतर दिखना पूरा बनता, उससे आगे से भी फोन आ गया था भाई, टुकड़िया और कम से कम नहीं तो 5 से 6 टुकड़ियां भी उड़ रही थी भाई आगे, सबको छोड़ के छोड़ के गया कबूतर। ठीक है भाई, ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया गया भाई, मजा मानते हैं कबूतर, बहुत बढ़िया गया भाई। ये कहाँ से आए हुए? भोगल भोगल से आए हुए भाई, हमारे घर से आए हुए, ये आश्रम से आए हुए के लिए। रेडी तालीम का नाम भाई, ये भाई आया हुआ मोंटी भाई और टिक्कल भाई, ये इरफान खलीफा है भुट्टो तालीम के, उन्होंने भेजा इनको, उस्ताद जी का स्वागत करने आए आज ये, अच्छा लगा इनको के लिए, तो कबूतर गया और उसका शौक वो करने आया, वो भी देख रहे थे भाई, उनको शौक पसंद आया, स्वागत कर रहे हैं टिक्कल भाई है, स्वागत करे उस्ताद जी का। ठीक है भैया, दिल्ली के सभी उस्ताद खलीफाओं को अस्सलाम वालेकुम। मैं रियान खलीफा, तालीम उस्ताद बॉबी, मरहूम उस्ताद कवर भाई, वो जो 24 तारीख की जो वीडियो हमने डाली थी उसका जवाब आज आया, उसका जवाब आज आया। खलीफा भीम और खलीफा चड्डा ने कुछ बोला है, आपने ग्रुपों के अंदर देख लिया था, हम तीनों आदमी कहीं बाहर गए हुए थे तो उसका जवाब दे नहीं पाए थे जल्द से जल्द, और अब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो अब उसका जवाब दिया जा रहा है। खलीफा भीम, आपने खलीफात तो ले लिए पर आपको अभी मालूम नहीं है कि खलीफात के मतलब क्या होते हैं, बाइख्तियार खलीफात के मतलब क्या होते हैं। आप जो बात कर रहा हो, ये जो पर्चा लेके आप घूम रहा हो ना, ये जो आपने ग्रुपों पे छोड़ रखा है, ये वाला पर्चा जो आप दिखा रहा हो और चड्डा खलीफा दिखा रहे हैं, इस पर्चे का जवाब तुम्हें दे रहा हूं मैं। जाओ अपने उस्ताद से पूछो और दिल्ली के किसी भी उस्ताद से पूछो कि इस पर्चे का मतलब क्या है। इस पर्चे का मतलब यही है कि दोनों की रजामंदी से दौड़ भागेगी, और 24 तारीख को आप जो उस्तादों को बोल रहा हूं ना बार बार कि उस्तादों का अनादर करा है, हमने उस्तादों का किसी का अनादर नहीं करा। आप एक घंटे पहले उस लाल बिल्डिंग पे खड़े हुए थे उस्तादों के साथ, और हवा का खाना सुबह से ही वही चल रहा था जो जब था, शाम तक वही हवा का खाना चला है, और आपने ही उस्तादों को बोला है कि जी ये दौड़ नहीं होगी। आपने बोला चड्डा खलीफा, आपने हमारे दो आदमी चढ़े हुए थे, खलीफा समीर ये बैठे हुए और एक नम्मो पहलवान जी, हमारे दोनों आदमियों ने किसी ने नहीं बोला, और ना उस्तादों ने बोला कि दौड़ कैंसिल करो। पांचों उस्ताद तैयार थे दौड़ भगवाने के लिए, उस्तादों का अनादर आपने करा है, आपने अपमान करा उन पांचों उस्तादों का।
जो पर्चा लेके बैठे हो ना, ये पर्चा ये तीसरा तारी कोर्ट में ले आके गेट पे खड़े होके दिखाते रहो, भीम खलीफा तुम्हें भगोड़ा करार दे दिया है। सीने पे छाप लो, तख्ती लगा के रखो इसको, जैसे जेल में तख्ती छापते ना ऐसे छाप लो इसको पर्चे को डाल के, भगोड़े हो भगोड़े ही रहोगे। अब तो तुम 151 को हटा दो, तुम्हें तो मान लिया हमने। और 4 फरवरी को भी चड्डा खलीफा भागे थे, फिर कह रहा हूं मैं चड्डा खलीफा उतर के भागे, उस्तादों का अपमान उन्होंने करा है, हमने नहीं करा है। और चड्डा खलीफा आ जाओ पीर वाले दिन मीटिंग कर लो, दिल्ली के 4 उस्ताद लिया हो अपने और 4 उस्ताद हम ले आते हैं, और मंगल से कार्रवाई चालू है। कोई पैसों की नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, सिर्फ कबूतरों की होगी। तभी कह दो पैसों की लगाऊंगा मैं, पहली कह रहा हूं मैं, हम तो नॉर्मली दौड़ लगाते हैं, ये ध्यान रखना। जुआ नहीं खेलते हम, जो शौक है शौक के तरीके से और शौक को बढ़ावा देते हैं। आ जाओ चड्डा खलीफा, देख तुमसे भागेगा कबूतर, तुम्हारी जाती छसरे, तुम्हारी जाती छसरे। 200 कबूतर या 251 जिसमें तुम राजी हो उसमें आ जाओ, ठीक है भाई, महीने में रमजान से पहले पहले, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। चड्डा खलीफा उन 5 उस्तादों का अनादर आपने करा है, हमने नहीं करा। हमारे 2 आदमी ऑलरेडी छत पे थे, समीर खलीफा और नमो पहलवान जी, 1 घंटे पहले सुबह से उस्तादों को आपने बुला लिया, 11 बजे उस्तादों को घर से बुला के 1 घंटा छत पे बिठा के एंड मौके पे 1 बजे बोल रहा हूँ कि ये हवा दौड़ कैंसिल करो, खुलने से दो मिनट पहले आप बोल रहा हो, और किसी उस्ताद ने नहीं बोला था कि दौड़ कैंसिल करो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस्ताद अनिल सूद जी ने जावेद खलीफा जी को फोन करा था कि जी ये चड्डा भाई बोल रहा है कि दौड़ कैंसिल करो, ना कि किसी उस्ताद ने बोला था कि दौड़ कैंसिल करो। जो उस्ताद थे, 5 उस्ताद थे, वो हमारे सर के माथे के ताज थे, 5ों के 5ों। हमने नहीं बोला उस्तादों से दौड़ कैंसिल करो, आपके आपने ही बोला 2 मिनट पहले, अनिल सूद जी ने फोन करके बोला जावेद खलीफा जी को, और जावेद खलीफा जी ने जवाब दिया कि मैं इसी हवा पे उड़ाने के लिए तैयार हूं। हम नहीं भागे, उतर के आप भागे हो वहां से, बाइख्तियार खलीफात तो लेके बैठ गए। बाइख्तियार खलीफात का मतलब पता है, ये बाइख्तियार खलीफात का मतलब क्या होता है? और सुनो, दिल्ली के सभी उस्ताद खलीफा और सभी कबूतरबाज, हमने इतवार वाले दिन अनिल सूद जी के यहां कोई ट्रेजेडी हो गई थी, उनके खानदान में कोई बॉडी कोई एक्सपायर हो गए थे, अनिल सूद जी तो वहां चले गए अपने, हमने इतवार को आपके खलीफा को, आपके पीर भाई को, भीम खलीफा को फोन करके बोला मीटिंग के लिए, तो आपके भीम खलीफा ने जवाब नहीं दिया मैं मीटिंग का। ये जो आप पर्चा लेके घूम रहा हो ना, ये पर्चा जो दिखा रहा हो आप, ये इस, और चड्डा खलीफा, भीम खलीफा जी सुन लो, पूरी दिल्ली ने देखा है कि 4 तारीख को कबूतर कैसा उड़ा कैसे नहीं उड़ा, और 1 महीने पहले से देख रही है, और सबके पास सबकी खबर है, और आपके कबूतर हमने गिनती नहीं करे थे, जो आप घरों पे आके खुश हो रहे थे, हमने गिनती भी नहीं करे थे। और चड्डा खलीफा, इस पर्चे का मतलब जो था ना वो यही था, आप 5 दिन के बाद सो के जाग रहा हो, खलीफात लेके घूम रहा हो, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? बहुत शर्म की बात है कि आप खलीफा हो गए ऐसी बातें कर रहे हो, 5 दिन के बाद बोल रहा हो मीटिंग करो। और अब सुनो भाई, पूरी दिल्ली के लोगों, इतवार को है नबी करीम के अंदर कब, और हम तो हमारी छत भी है, हम तो लग गए अब कब के चक्कर में, और भीम खलीफा आप भगोड़े हो भगोड़े रहोगे, पहले भी भाग गए थे और अब फिर भाग गए, और अब आपको तो दौड़ हमने मान ली है। अब सुनो चड्डा खलीफा जी, आप भीम खलीफा, ना तो तुम हमारे पहले दुमका पर छुपा है और ना आखिर तक छुपा है दुमका पर लंबाई का, मैंने तुम बोल रहे हो ना इतने के कबूतर हमारे हमारे खुले हैं, हमारे जा रहे हैं, हमारे वो है, भाई ऐसे कुछ नहीं होता। और भाई दिल्ली के जो ये 4 मुहदीस 5 उस्ताद जो आए थे, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं है उन उस्तादों को, ना हमने उनका अनादर करा है, ये जो अनादर करा है ये चट्टा खलीफा ने करा है, उन उस्तादों का टाइम खराब करके एंड मौके पे उन उस्तादों को लेके उतर गया। और चट्टा खलीफा, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, भीम खलीफा को तो भगोड़ा करार कर दिया हमने, और वो भाग गया पहले भी और अब भी, तो तुम एक साइड भीम को तो हटाओ एक तरफ, अब तुम अपनी जाति छत से
151 को तो तुम्हारे उस खलीफा को मान लिया हमने, भीम को। अब तुम्हारी अपनी जाति छत से 151 के ऊपर आओ, कितने आओगे? 201, 205 या 251 कबूतर आओ। अपने चार उस्ताद लेके, और चार उस्ताद हम लेकर आ रहे हैं, पर्चा भरवाओ तुम्हारी जाति छत से। एक महीने में लड़ेगा और एक महीने में दौड़ेगा, एक ही महीने में दोनों काम होंगे, एक महीने में, ये ध्यान रखना चलता खलीफा। ये जो आप पर्चा लेके घूम रहे हो ना, इस पर्चे को बार बार दिखा रहे हो, इस पर्चे का मतलब पता है किन्ने दे दी आपको बाइख्तियार खलीफा? इस पर्चे का मतलब ये है, दोनों पार्टियों के अनुसार बैठ के बात होगी, यही तो लिखा हुआ है इसके अंदर, कि दौड़ कब भगेगी रजामंदी से। पर इस पर्चे का मतलब ये है कि उसी दिन बात होनी थी, ये उसी दिन इतवार वाले दिन जब कैंसिल हुआ था तभी बात होनी थी, ये उसके दो घंटे के बाद, पर आप लोगों ने बात नहीं करी। मैंने भीम खलीफा के पास फोन करा संडे की रात को कि भीम खलीफा क्या बात है भाई, मीटिंग कब है? तो कह ले भाई हमें दो दिन का टाइम आ गया था, हमें दो दिन दो। तो मैंने कहा भाई दो दिन का मीटिंग करोगे, दौड़ भगाओगे? कह रहे तो वक्त बताएगा भाई, दौड़ भागेंगे या मीटिंग करेंगे। और भाई पीर की रात को ही मंडे की रात को जब इनका तुम्हारा इस पार्टी का जवाब नहीं आया, जब इस पार्टी का जवाब इतवार की रात को भी नहीं आया, पीर की रात को भी नहीं आया, फिर हमने बाबू भाई जो भोले खलीफा के भतीजे हैं उन्हें फोन करा कि जी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ना तो मीटिंग कर रहा है ना दौड़ भगाने की बता रहा है। जब बाबू भाई सुबह उस्ताद पम्मी के पास गए, उनके घर पे, उस्ताद पम्मी के घर पे, काली मस्जिद वाले जो उस्ताद पम्मी है उनके घर पे गए वो सुबह, तो उस्ताद पम्मी ने अपनी बीवी का ऑपरेशन के पेपर दिखा दिए कि जी मैं तो अपनी बीवी के ऑपरेशन के चक्कर में लगा हूँ आंखों का। बाबू भाई के कहने के बता रहे हैं, जो बाबू भाई ने हमें बताया है, जो अभी रिकॉर्डिंग भी है, और जो बाबू भाई ने हमें बताया है, और बाबू भाई तुम्हारे उस्ताद के पास गए, तुम्हारे उस्ताद ने ये जवाब दिया है। और भाई दूसरी बात सुन लो, दिल्ली के सभी उस्ताद खलीफा और कबूतरबाज, एक उस्ताद के 50 शागिरद होते हैं, उस्ताद का काम तो एंड में जाना होता है एक दो दिन पहले, और खलीफा ही उड़ाते हैं। बख्तर किसने देते हैं? बाइख्तियार खलीफा का मतलब क्या है? भीम खलीफा, चड्डा खलीफा, बाइख्तियार को भी छोड़ो, खलीफात किस लिए? खलीफात किस लिए ली थी तुमने? तुम उड़ाना जानते हो। और रही बात 4 फरवरी की बात, तो 4 फरवरी को तुम्हारे यहाँ जो मुंशीफ आए थे ना हमारी छत पे गिनती लेने, 151 का उत्तर गिन के निकाले हमने, छह बार 151 का उत्तर गिनवाए, और ये पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है कि कबूतर किस तरह उड़ा है। चड्डा खलीफा, एक महीने में दोनों काम होंगे, लड़ैया भी और दौड़ाना भी, 251 से लेकर 251 का कबूतरों तक, आप चाहो तो जो मर्जी रख लो, या 200 भगाओगे, इससे नीचे नहीं आएंगे हम, 200 आएंगे या 251, तू ओनर दिखा या हमारा ओनर दे, या तू ओनर दिखा। और आ जाओ इतवार के बाद कभी भी मीटिंग कर लो ना, चार उस्ताद लेकर आयो, तुम्हारी जाति छत से भगाएंगे, अब तुम्हारी अपनी जाति छत से भगाएंगे। कोरा, एक भी कबूतर गर्दान नहीं होगा, एक भी कबूतर गर्दान नहीं, नया पर पूरा पर का पर नया दिखाओ, तुम्हारे अंदर खलीफात लेने के बाद क्या हुनर है, और वरना जो हमारे पास खलीफाते हैं हम उसका हुनर दिखाएंगे। 205 के ऊपर आना, 251 5 की छूट, एक महीने के अंदर दौड़ भगेगी, लड़के भी दौड़ाने भी दोनों। इतवार के बाद पीर को आ जाओ, मंगल को आ जाओ, बुध को आ जाओ, चार उस्ताद लेकर आ जाओ, तुम्हारी जाति छत से शौक करेंगे। भीम को तो भगोड़ा करार दे दिया, वो भगोड़ा है, भगोड़ा ही रहेगा, पिछले साल भी भागा था, इस साल भी भागा था। तुम्हारी जाति छत जो है ना, मैं भी अपनी जाति वहाँ पे, अब जो हमारे शागिर्द की छत होगी उसी छत से भागेगा, तुम्हारे घर के पास ही होगी छत वो भी। और दिल्ली के सभी उस्ताद खलीफाओं को बता दूं कि ये लोग ये दौड़ भगाने के काबिल नहीं है, भीम खलीफा ये भगोड़ा है, भगोड़ा ही रहेगा, हम इसको तो हमने कर दिया एक तरफ, दौड़ मान ली। मुंशियों का नादार करते हैं ये लोग, बुला के कैंसिल कर देते हैं, खुद ही मीटिंग करते हैं, खुद ही खिला देते हैं, खुद ही पिला देते हैं, जब उनका टाइम हमारा टाइम आता है दूसरी पार्टी का तो ये भाग जाते हैं एट ए टाइम। और चड्डा खलीफा मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपकी जाति छत से शौक हो गया, इतवार के बाद कभी भी मीटिंग कर लो, चार उस्तादों को ले आओ, 205 से ऊपर आना,
पांच कबूतरों की छूट, एक महीने के अंदर फैसला होगा, एक महीने तुमसे लड़ाएंगे, जो कबूतर भागेंगे बचेंगे वही भागेंगे। रमजान से पहले पहले, रमजान के बाद कोई लड़ाई नहीं दौड़ाई होगी, रमजान से पहले पहले होगा जो शोक होगा। 11 मार्च का पहला रोजा, पहला रोजा 11 मार्च का है, उससे पहले पहले एक महीने की लड़ाई जो होगी, दौड़ाना जो होगा इससे पहले पहले होगा। मौसम तुम्हारे लिए भी वही है और मेरे लिए भी वही है, गर्मी हो या सर्दी हो, तुम कहते हो ना गर्मी का, ये गर्मी भी गर्मी गर्म मौसम में उड़ा नहीं सकता, ये तो वक्त बताएगा, एक महीने में लगा लो कौन जीतता कौन हारता है। और भीम खलीफा, खलीफात लेके बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? दिल्ली का जो तरीका है दौड़ भगाने का, कि दौड़ अगर एक दिन कैंसिल हो गई तो उसी दिन मीटिंग होके अगले दिन भागती है दौड़। एक मिनट, उस्ताद अनिल जब मीटिंग में कह रहे थे कि भाई हाँ भाई कैसे कैंसिल हो जाती है उस दिन दौड़, तो मैंने उस्ताद जी दूसरे दिन होगी, हंसते उस्ताद जी अनिल भी ये भी कहने लगे, सही बात कह रहे वो भी, उस्ताद जी कहने लगे भाई दूसरे दिन कोई मौसम खराब किया तो मैंने उस्ताद जी तीसरे दिन होगी। जो उसूल के हिसाब से, कबूतरबाजी के हिसाब से जो है यही बात है। और ये जो पर्चा लीक, तो मीटिंग जवाब दे देना, अगर भाई कल सदर साहब के यहाँ चलना हो ना तो जवाब दे दो ना, अपने उस्ताद को भी ले चलना चाहो तो तुम, हम कुछ नहीं बोलेंगे, सदर साहब फैसला कर लेंगे, चार उस्तादों को तुम्हें लेके चलना है तो चल पड़ना, दानी सदर साहब जी के यहाँ कल 6 बजे आ जाना वहां पे, अगर चलना हो तो इस बात का जवाब दे दो ना, और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह वहां से अपने मुंह की खा के आओगे तुम लोग, और चड्डा खलीफा तैयार रहना, हमारी बात का जवाब जरूर दे दो ना, अपनी जाति छत से शौक करने के लिए, ठीक है, पीर वाले दिन जवाब दे दो ना हमें इस बात का, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम।